बाढ़ पे जो माननीय नेता ने SOP बनाया है, कोसी की जो क्रासदी हुई थी 2008 में, और कोसी क्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी क्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटल्या बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटल्या बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया SOP तैयार किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त बिहार के करीब 16 से 18 जिले बाढ़ से प्रभावित है। कई जिलों में लोगों ने अपने घर खो दिए हैं और अब बाढ़ की स्थिति ऐसी बन गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ रही है। जी हाँ, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पूरी तरीके से जो आवागमन है वो लोगों का बाधित हो चुका है, लोग कहीं आने जाने में असक्षम हैं। तो उन्हें जो खाना है, जो राशन है, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए अब पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए आम जनता तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार बाढ़ का सर्वे करते नज़र आ रहे हैं। कल भी हेलीकॉप्टर द्वारा एरियल सर्वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, जिसको लेकर आज मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है और कहीं ना कहीं अपने ही राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अशोक चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो बाढ़ का समय है वो बीत चुका था, इसीलिए जो सरकार है वो कम चौकस थी, क्योंकि अब उम्मीद नहीं की जा रही थी कि अब बाढ़ इतना विकराल रूप ले सकती है या इस कदर बिहार में तमाम ज़िले बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, और चौकस रहने की आवश्यकता थी सरकार को। अपने दिए हुए इस बयान में मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। तो हर साल आगमन होता है और अपने जो बिहार के और देश के जो महापुरुषों, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी को उनसे सीख लेने के याचना करते हैं, प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको देखे कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग दिया। सर, बात की जाए बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव 2008 की याद दिला रहे हैं पोस्ट करके कि सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँची थी और मनमोहन सिंह पहुँचे थे लालू यादव। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो माननीय नेता ने SOP बनाया है, कोसी की जो क्रासदी हुई थी 2008 में, और कोसी क्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी क्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटल्या बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटल्या बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया SOP तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस SOP को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझते 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है, जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कुछ, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी, इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी, ठीक है कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ ख़त्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय ख़त्म हो गया, थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको DBT ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है, बजट है, उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7,000 रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है, हर लोगों को भोजन हमारे यहाँ चल रहा है, तो पूरी व्यवस्था हमारे पर परिस्थितियाँ, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब करीब 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, तो परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। लेकिन UPA की सरकार, जिसको RJD आज कर रहा, अगर ये संभल जाती और UPA की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता, तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता। ये प्रशांत किशोर पार्टी का ऐलान करने वाले,
देखिए, अब हर एक व्यक्ति कभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किए उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए, पता नहीं क्या कारण रहा। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं किए, फिर 15 में हमारे लिए काम किए, फिर 16-17 में सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए किए। अब उनके मन में इच्छा है कि हम राजनीति भी करें, जब हम राजनीति दूसरे के लिए कर सकते हो तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब वो आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता है, मदद करता है कि नहीं ये अच्छा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं। 2 अक्टूबर है आज, गांधी जयंती है, और इस मौके पर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी, अपने पार्टी के नाम का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। और मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया और कहने लगे कि पहले उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए काम किया, लेकिन कभी भी एक पार्टी के साथ दोबारा काम क्यों नहीं कर पाए, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर को लेकर तंज कसते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी। वहीं दूसरी ओर बाढ़ को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार ट्वीट करके भी निशाना साधा है और कहा है कि 2008 में जिस वक्त लालू यादव केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने बाढ़ के वक्त बिहार में केंद्र से सहायता पहुंचाने का काम किया था, लेकिन नीतीश सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना लगातार साध रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी, जिसका जवाब भी देते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी। साथ ही साथ अपनी ही राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बाढ़ की स्थिति को लेकर और चौकस रहने की आवश्यकता थी, बाढ़ का समय बीत गया था, इसीलिए ये ध्यान किसी को नहीं रहा कि बाढ़ इतना विकराल रूप ले सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे मंत्री अशोक चौधरी, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।